हेलो एंड वेलकम। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा कट ऑफ की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको बताऊँगा कि इक्वी परसेंटाइल किस तरह से यहाँ पे अप्लाई होगा, और जो कि क्वेश्चन आ रहा है कि क्या सीट्स जो शिफ्ट्स है जूनियर असिस्टेंट के एग्जामिनेशन में, क्या वहाँ पे सीट जो है वो अलॉट पहले ही रहेगी, क्योंकि डिफरेंट शिफ्ट्स में जो है डिफरेंट अटेंडेंस थी। तो वो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको मैं आपको यहाँ पे एक लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि किस तरह से अटेंडेंस जो है वो मैटर करेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ वो यही है कि टाइपिंग पॉइंट्स को किस तरह से ऐड किया जाएगा। तो जो सिंपल यहाँ पे बात है वो यही है कि यार आपके रिटन में है 60 और टाइपिंग में है 10, तो वो जो है 70 मार्क्स आपको ऐड करके दिए जाएंगे, और उसके बाद जो है आपको अपने शिफ्ट में आपकी इक्वी परसेंटाइल रैंक निकाली जाएगी। तो वो किस तरह से निकलती है वो आपको पता ही है। तो कुछ कैंडिडेट्स का यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वो पहले जो यहाँ पे 60 मार्क्स है इनको थोड़ा सा, यानी यार कोई टफ शिफ्ट है तो उसको 60 मार्क्स मिले हैं, और जो ईजी शिफ्ट है उसको 65 मिले हैं। तो वो कहते हैं पहले वो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन करेंगे, यानी इसको +2 करेंगे, इसको -2 करेंगे, और इसको जो है इक्वेट करेंगे, उसके बाद टाइपिंग पॉइंट्स ऐड करेंगे। लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट है ये डबल नॉर्मलाइजेशन का होता है, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन के बहुत सारे जो मेथड्स है, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं वो दो टाइप्स है। एक में है जहाँ पे ये पॉइंट्स आपको प्लस और माइनस किए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर इक्वी परसेंटाइल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको पता होगा क्लास फोर्थ का एग्जामिनेशन, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन जो हुई थी पिछले साल, तो वहाँ पे सिंपली पॉइंट्स को इंक्रीज़ किया गया था और डिक्रीज़ किया गया था, तो वहाँ पे फिर कोई भी ज़रूरत नहीं थी इक्वी परसेंटाइल की। तो यहाँ पे ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्लस माइनस नहीं किया जाता, बल्कि आर टफ शिफ्ट है तो वहाँ का जो रैंक वन वाला होगा वो टॉप पर होगा, और जो ईजी शिफ्ट वहां का रैंक वन जो है वो भी टॉपर पे ही होगा। तो इसलिए यहां पे जो है ये प्लस माइनस का जो है वो ये चक्कर नहीं है, यहां पे आप जो पॉइंट्स प्लस हो गए वो सिर्फ टाइपिंग पॉइंट्स के हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या पहले रिटन जो आपके पॉइंट्स है उनको इक्वी परसेंटाइल किया जाएगा और फिर टाइपिंग ऐड हो गए, तो ये भी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इक्वी परसेंटाइल को कभी भी पॉइंट्स ऐड नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये बेसिक मैथमेटिक्स है कि परसेंटेज को जो है पॉइंट्स ऐड नहीं किए जा सकते। तो एक और यहां पे जो ऑप्शन हो सकता था वो ये हो सकता था कि यहाँ पे इसका एक अलग इक्वी परसेंटाइल बनाया जाता और टाइपिंग पॉइंट्स का अलग इक्वी परसेंटाइल बनाया जाता, तो इसको फिर बेस 18 में कन्वर्ट करना था, इसको बेस 20 में कन्वर्ट करना था, फिर इनको ऐड करना था और वहाँ पे आपको फाइनल इक्वी परसेंटाइल मिलता। लेकिन आप देखिए ये कितनी बड़ी जो प्रोसेस है और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट भी है। तो सबसे ईजी मेथड यही है जो मैंने आपको पहले बताया कि रिटन का जो आपका है उसको आपके टाइपिंग पॉइंट्स ऐड किए जाएंगे और उसके बाद आपकी इक्वी परसेंटाइल रैंक निकाली जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर हम थोड़ी सी नज़र डालेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या सीट्स अलॉट होती है। तो अगर मेरे साथ आप ये क्वेश्चन बोलोगे क्या सीट्स पहले ही अलॉट होती है, तो मैं कहूँगा नहीं, ए बिग नो फ्रॉम मी। वाई? क्योंकि सीट्स अलॉट नहीं होते। हाँ, जब आपके सामने रिजल्ट होता है तो आपको लगता है कि हर एक शिफ्ट से इक्वल स्टूडेंट्स आए हैं, लेकिन वो आते हैं, लेकिन उसमें जो वेरिएशंस होती है वो होती है। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यार 100 सीट्स है और 10 शिफ्ट्स है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक शिफ्ट का के 10 कैंडिडेट्स यहाँ पे हो गए, क्योंकि अब ये कहाँ पे वेरी करता है उसके मैं जो है आपके सामने लाइव एग्जांपल यहाँ पे भी शेयर करूँगा। चलिए लाइव एग्जांपल की तरफ पहले बढ़ने से पहले मैं आपको ये पहले बताना चाहता हूँ, पहले ही एक मैसेज आई थी मुझे, तो वहाँ पे कहा गया था कि यार ईजी शिफ्ट की 50 रैंक वाला जो कैंडिडेट है तो उसको फॉर एग्जांपल मिलते हैं टोटल पॉइंट्स रिटन एंड टाइपिंग, उसको टोटल है 72 50 रैंक वाला, और जो टफ शिफ्ट है या ईजी शिफ्ट है तो टफ शिफ्ट में जो मिलता है 50 रैंक वाला उसको है 76। तो ये बोला जाता है कि जब इक्वी परसेंटाइल निकाला जाएगा तो ये दोनों जो है एक ही जगह पे होंगे, तो मैं कहता हूँ जी हाँ ये बिल्कुल गलत है, ये एक ही जगह पे नहीं होंगे। हाँ, रैंक इनकी एक ही है। अब ये एक ही जगह पे एक ही कंडीशन में हो सकते थे कि यहाँ के जो कैंडिडेट्स थे जो यहाँ पे अपीयर हुए होंगे वो इज इक्वल टू दिस, यानी जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए होंगे वो दोनों सेम होंगे। अपीयर मतलब अटेंडेंस कितनी हुई होगी, और यहाँ पे 2000 कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है तो यहाँ पे भी 2000 ने दिया होगा, तो यहाँ पे जो रैंक के फिर आप फाइनल रिजल्ट देखोगे तो ये दोनों कैंडिडेट जो है एक ही जगह पे आपको मिलेंगे फाइनल लिस्ट में। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि बहुत ही वेरिएशन आ रही है, वेरिएशन कहाँ पे आ रही है, पहले शिफ्ट में आपको पता है पहले दिन में जो कैंडिडेट्स कम हुए थे और लास्ट डे में ज़्यादा थे, तो वहाँ पे आपकी इक्वी परसेंटाइल किस तरह से वेरी करेगी उसको मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाऊंगा अपने कैलकुलेटर से। उससे पहले मैं आपको फार्मूला भी दिखाऊंगा कि कौन सी फार्मूला इस्तेमाल होती है, तो चलिए उस सब के ऊपर ही हम नज़र डालेंगे आप। तो ये मैं फार्मूला आपके सामने
रख रहा हूँ। तो यहाँ पे आप सीधे अपनी जो रैंक वो देख सकते हो, और यही फार्मूला है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, पहले आपको देखना पड़ता है टोटल कैंडिडेट जो आपके शिफ्ट में अपियर हुए थे उनको आपको माइनस करनी पड़ती है आपकी रैंक। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा इक्वी परसेंटाइल रैंक, अगर आप उसी को फिलहाल बेस पे रखोगे तो वही आपको यहाँ पे रैंक लेनी है। उसके बाद उसको डिवाइड करना है आपको टोटल कैंडिडेट्स कितने अपियर हुए हैं और उसको माइनस वन करना है, और फाइनली आपको इसको मल्टीपल हंड्रेड से करना है। अब इसको किस तरह से करना है और किस तरह से इफेक्ट होता है इसका, यानी अटेंडेंस का कौन सा इफेक्ट होता है, वो मैं आपको अपने कैलकुलेटर में यहाँ पे प्रूफ दिखाऊंगा। तो चलिए वही अपने कैलकुलेटर में मैं आपको लेके चलता हूँ। तो यह है मेरी कैलकुलेटर की स्क्रीन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं किसी भी शिफ्ट का रैंक 50 वाला स्टूडेंट नहीं उठाऊंगा, मैं रैंक 10 वाला स्टूडेंट उठाऊंगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल जिसकी रैंक 10 होगी, तो अब इजी शिफ्ट वाला भी 10 है, टफ शिफ्ट वाला भी 10 रैंक पे है, तो अब अटेंडेंस की कौन सी फ़र्क पड़ेगी वो मैं आपको दिखाऊंगा, रैंक 10 पे अटेंडेंस की क्या फ़र्क पड़ेगी। फॉर एग्जांपल पहले हम लेते हैं वो शिफ्ट जहाँ पे सिर्फ 1500 कैंडिडेट्स थे, क्योंकि आपको पता है पहले दिन में कोई एक दो शिफ्ट ऐसे भी थे जहाँ पे स्टूडेंट से कम अटेंडेंस थी। तो हम बेस लेते हैं यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स जो अपियर हुए हैं वो 1500 हुए हैं। तो पहले हम 1500 की ही एग्जांपल लेंगे। तो 1500 जो है हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स है, तो इसमें आपको माइनस क्या करनी है, माइनस करनी है आपको अपनी रैंक जो कि मैंने आपको बताई है। फॉर एग्जाम्पल 10 आपकी रैंक है, तो इसको हम यहाँ पे इक्वेट करेंगे, क्योंकि यार मैं सीधे फार्मूला लिखता जाऊंगा तो इसका जो वैल्यू है वो गलत आता है। तो यहाँ पे मैं स्टेप वाइज करूँगा, इसको मैं मल्टीपल करूँगा 100 से। तो इसको डिवाइड क्या करना है, डिवाइड करना है आपको टोटल कैंडिडेट्स कितने थे 1500 माइनस 1। तो ये जो है यहाँ पे आपके सामने ये वैल्यू ये आपकी निकली है उस शिफ्ट में आपकी परसेंटाइल जिसमें आपके जो कैंडिडेट्स थे 1500 थे, तो रैंक क्या थी 10, ये आप याद रखें। तो ये आप ये वैल्यू थोड़ा सा दिमाग में रखिए, क्योंकि अब हम दूसरे शिफ्ट की यहाँ जहाँ पे अटेंडेंस ज़्यादा थी उसकी एग्जांपल आपके सामने में अब दिखाऊंगा। तो चलिए अब मैं 3000 वाला शिफ्ट लूँगा, तो 3000 जो है आपके सामने कैंडिडेट्स है, 3000 को आपको माइनस करनी है अपनी रैंक क्या है 10, ओके, इसको मल्टीपल करेंगे हम 100 से, ओके, फिर इसको डिवाइड किससे करना है 3000 माइनस 1, यह है आपकी इक्वी परसेंटाइल रैंक। तो आप देखिए डिफरेंस कहाँ पे है, तो यही डिफरेंस जो है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सीट्स है वो अलॉट नहीं होगी, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा अटेंडेंस होगी वहाँ पे ओबियसली आप देख सकते हो आपकी इक्वी परसेंटाइल जो है वो ज़्यादा निकलेगी, क्योंकि वहाँ पे इससे पहले केस में हमारे सामने क्या निकला था। फॉर एग्जाम्पल ठहरो वन सेकेंड, मैं यहाँ पे आपको अब हिस्ट्री दिखाऊंगा। वो हिस्ट्री किधर गई, चलो यही है। तो आपने अभी देखा कि जो हम आपका पहला जो हमने निकाला था 1500 में, तो वहाँ पे 98.33 था, तो यहाँ पे 98.66 है। तो आप देखिए कि वेरिएशन जो है वो यहाँ पे है, तो 66 से 33 तक बहुत सारे कैंडिडेट्स आएंगे। तो यही डिफरेंस है ज़्यादा कैंडिडेट्स में और कम कैंडिडेट्स में, तो यही जो है मैं आपके सामने शेयर करने वाला था। तो आपने खुद देखा है कि कहाँ पे जो है यहाँ पे डिफरेंस आ रही है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा ज़्यादा कैंडिडेट्स से, तो जो सीट्स है वो अलॉट नहीं होती, लेकिन ज़्यादा अटेंडेंस मतलब आपकी परसेंटाइल ज़्यादा निकलेगी। तो यही था मेरा मोटिव मेरे इस वीडियो का, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और आपकी और कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।